12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, अब इसको 15 साल हो गए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसको पूरा का पूरा समझ लें, उसके मुख्य प्रावधान पता होने चाहिए। बीच में छोटे मोटे प्रावधान में कहूंगा कि ये गौण है, इन्हें छोड़ देते हैं, जो ज्यादा प्रावधान है समझ लेंगे। देखिए जो एक्ट होता है ना, किसी भी एक्ट को अगर आप पढ़े, मैं ये एक्ट लेके ही आ गया हूँ, ये पूरा एक्ट वही है, तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ना ना पड़े, और मैं इसका एक एक प्रावधान आपको समझा दूंगा डायग्राम्स के रूप में। आप डायग्राम्स के फॉर्म में नोट करते जाइए, वो पर्याप्त है आपके लिए, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस के रूप में कुछ देखना चाहें तो नेट पर सर्च कीजिए, आराम से मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। तो 2005 का जो एक्ट है इसके बारे में मोटी मोटी बात ध्यान रखें कि इसमें कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं। इन 6 चैप्टर्स में कुल 31 सेक्शंस हैं, यानी 31 महत्वपूर्ण बातें इस एक्ट में लिखी हैं। इसके अंत में 2 शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं 2, इनमें से सेकंड शेड्यूल को लेकर खूब डिबेट होती है। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट, अभी हाल ही में आपने सुना होगा 2019 में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ है इसी एक्ट में, तो उस अमेंडमेंट के प्रोविजंस क्या है वो भी हम पूरा एक्ट पढ़ने के बाद समझेंगे, बीच में हिंट कर दूंगा जब वो पॉइंट आएगा। फिर इस पर रूल्स भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं। पहली जो रेगुलेशन आई थी वो आई थी 2007 में, ये रेगुलेशन थी मैनेजमेंट की रेगुलेशन, यानी RTI मैनेजमेंट रेगुलेशन 2007। इसके जो व्यापक रूल्स हैं वो आए थे 2012 में, और 2019 में फिर से रूल्स आए हैं, तो 19 के रूल्स अमेंडेड रूल्स हैं। कुल मिला के जब कोई आपसे कहे RTI, इसका मतलब बेसिकली होता है कि इन सब चीज़ों के बाद जो सार हमारे पास है वो RTI है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के 5-6 जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मतलब होता है कि एक्ट में कुछ भी लिखा हो लागू वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो एक्ट में कई ऐसी बातें आएंगी जो लिखी हैं पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके खिलाफ आ चुका है। ठीक है, तो हम बेसिकली एक्ट पढ़ेंगे, जहां जहां कोई अमेंडमेंट या रूल या रेगुलेशन उसे चेंज करेगा मैं उसका जिक्र करता चलूंगा। बेसिकली हमें एक्ट को समझना है। ठीक, तो हमें चैप्टर वाइज जाने की जरूरत नहीं है, एक आध रेफरेंस होगा तो बताऊंगा आपको। किसी भी एक्ट में जो शुरू के 1-2 क्लॉजेस होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, तो जैसे इसमें चैप्टर 1 में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 में कुछ नहीं होता, एक तो ये लिखा होता है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसका नाम बता दिया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होगा इसका नाम। दूसरा बताया कहाँ कहाँ लागू होगा, तो इसमें लिखा है कि J&K छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा, यानी इसकी ज्यूरिसडिक्शन पूरा भारत है। जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ तो उसके तहत, देखिए जम्मू कश्मीर में 2004 में एक्ट आ चुका था, तो जम्मू कश्मीर में पहले से राइट टू इंफॉर्मेशन चल रहा था, वो लगभग वैसे ही एक्ट था। जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ तो उस विधेयक में 3 लिस्ट थी। एक लिस्ट ये थी कि केंद्र के कौन कौन से कानून जम्मू कश्मीर पे लागू हो जाएंगे उसी दिन से, दूसरी थी जम्मू कश्मीर के कौन कौन से कानून खत्म हो जाएंगे, और तीसरी थी कि जम्मू कश्मीर के कौन कौन से कानून वहां पर बने रहेंगे इस चीज के बावजूद कि अब से जम्मू कश्मीर विशेष राज्य नहीं रहा है। तो अगर मैं अपनी स्मृति से याद कर पा रहा हूं तो उसी दिन से ये वाला एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई हो गया था, तो अब इस प्रावधान का कोई मतलब रहा नहीं है, इस प्रावधान को आप 0 मान सकते हैं। ठीक है, जो सेक्शन 2 होता है किसी भी एक्ट में, उसमें होती है डेफिनेशंस, उसका नाम होता है परिभाषाएं। कानूनी डॉक्यूमेंट होता है ना, तो उसमें वो क्या करते हैं कि कल को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोर्ट में झगड़ा हो, तो एक्ट में लिखे एक एक शब्द की परिभाषा दी जाती है ताकि जब भी डिबेट हो समझ जाए कि इस शब्द का ये मतलब है, कोई और मतलब नहीं है। बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, हमारे काम की केवल एक डेफिनेशन है कि इसमें इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। राइट टू इंफॉर्मेशन में जिसको इंफॉर्मेशन कहा गया है उसमें क्या क्या शामिल है, बहुत सारी बातें शामिल हैं, तो 5-6 शब्द आप नोट कर लें। इंफॉर्मेशन का मतलब है सरकार के पास विद्यमान कोई रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो कोई रिकॉर्ड, कोई डॉक्यूमेंट, कोई ईमेल, आप 5-6 नोट कीजिए, ईमेल हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सरकार का, यहां तक कि कोई ओपिनियन या एडवाइस हो, यानी राय हो या कोई परामर्श हो, सलाह हो। और ये सारी चीजें चाहे लिखित रूप में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, मतलब सॉफ्ट कॉपी में हो, तो संकेत कर लीजिए लिखित या इलेक्ट्रॉनिक, इन सब चीजों को माना गया है सूचना, और इसका मतलब है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इनमें से किसी भी सूचना को हम हासिल कर सकते हैं। एक बात इसमें और लिखी है कि सरकार के बारे में है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन प्राइवेट इंडिविजुअल के बारे में हो तब क्या होगा, प्राइवेट पर्सन के बारे में हो तब क्या होगा, तो इसका प्रावधान यहां भी है, आगे चल के फिर से भी एक पॉइंट आएगा। तो प्राइवेट व्यक्ति के बारे में सूचनाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक वो जिन सूचनाओं का संबंध उसकी पर्सनल लाइफ से है, एक वो जिनका संबंध उसकी पब्लिक लाइफ से है, और पब्लिक लाइफ से जुड़ी सूचना हो सकता है कि लोकहित में सबके लिए जाना जरूरी हो, जैसे
कोई उम्मीदवार आपके यहाँ से इलेक्शन लड़ता है, और सरकार ने नियम बना दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसे एक फॉर्मेट में बताना पड़ेगा उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, उसके पास संपत्ति क्या है, उसकी देनदारियां क्या हैं, उसने कोई सरकारी बिल पे नहीं किया हो ऐसा तो नहीं है, उसके ऊपर कौन कौन से केस चल रहे हैं, अपराध कौन कौन से लागू हैं। अब कोई कह सकता है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आपको इससे क्या मतलब है, पर ये उसकी पर्सनल लाइफ है या एक पब्लिक पोस्ट पे आने वाले व्यक्ति की पर्सनल लाइफ का इतना हिस्सा जानने का हक सबको होना चाहिए? होना चाहिए। तो पर्सनल लाइफ के दो हिस्से हैं, एक वो जो प्योर पर्सनल है, जैसे जैसे भारत की संसद ही को मान लीजिए, भारत की संसद भारत सरकार से किसी प्राइवेट व्यक्ति के बारे में क्या क्या सूचनाएं मांग सकती है, वो ये सूचना मांग सकती है कि क्या इसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, ये सूचना मांग सकती है कि क्या इसके खिलाफ कोई सिविल मुकदमा या कोई फाइन या कोई पेनल्टी या इसने कभी कोई ट्रैफिक रूल भंग किया हो आदि आदि आदि, ये सब मांग सकती है। लेकिन वो व्यक्ति अपने निजी जीवन में कैसा है, उसके संबंध, उसके भावनात्मक संबंध अपने दोस्तों से कैसे हैं, क्या ये जानने का हक सरकार या संसद के पास है? नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो एक बात लिखी है कि प्राइवेट व्यक्ति से जुड़ी सूचना भी इसमें आ सकती है, लेकिन वही सूचना, जो सूचना प्राप्त करने का हक पब्लिक अथॉरिटीज को है, वही सूचना प्राप्त करने का हक नागरिक को हो सकता है। आप संकेत कर लीजिए, एक वाक्य लिखिए, निजी संस्थाओं या व्यक्तियों के बारे में वे सूचनाएं, निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के बारे में वे सूचनाएं जिन्हें लोक प्राधिकरण हासिल कर सकते हैं, जिन्हें लोक प्राधिकरण हासिल कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज हासिल कर सकती हैं, वे भी इसके दायरे में आती हैं। तो इंफॉर्मेशन की परिभाषा में वह सूचना भी शामिल है। तो मोटी मोटी बात क्या हुई सेक्शन दो में, सूचना का मतलब सरकार के पास उपलब्ध लगभग सारी चीजें, और एक खास केस में प्राइवेट व्यक्ति या संस्था के बारे में भी कुछ सूचनाएं इसमें शामिल हैं। इसके बाद है चैप्टर दो, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उसमें ज्यादा प्रावधान उसी में आते हैं। चैप्टर दो का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, सेक्शन 3 से 11। चैप्टर का नाम छोड़िए, अब सेक्शन वाइज चलते जाइए, सेक्शन से बात समझ में आ जाएगी। सेक्शन 3 एक लाइन का है बस, और वो कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक को, लिख लीजिए, अगर पूरा वाक्य लिखना हो तो एक वाक्य लिखिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक के पास सूचना का अधिकार होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक के पास सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, देखिए संविधान की भाषा जब पढ़ते हैं या एक्ट की भाषा, उसमें दो फ्रेजेस आते हैं बार बार। इस वाक्य में जो दो ध्यान देने की बातें हैं, एक तो है नागरिक, यानी ये अधिकार केवल सिटीजन्स का है, इंडिविजुअल्स का नहीं है, यानी भारत में जो विदेशी रहते हैं, विदेशी पासपोर्ट पर या नौकरी करते हैं, उनको अधिकार नहीं है, कोई इलीगल इमिग्रेंट है उसको अधिकार नहीं है, केवल नागरिक के पास है। दूसरा, अब देखिए मान लीजिए 10 कानून है, एक्स कानून, वाई कानून, जेड कानून, तीनों में ऐसी बातें लिखी जो विरोधी बातें आपस में। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर विरोधी बातें हैं तो कौन सी बात मानी जाएगी। जैसे एक एक्ट है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का है, उसमें लिखा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी कोई भी ऐसी सूचना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा जो गोपनीय है, और गोपनीय कौन सी होती है परिभाषा देनी रखी है, इसका मतलब किसी भी सूचना को गोपनीय मान के किसी सरकारी कर्मचारी को फंसाया जा सकता है उसके तहत। इसलिए सरकार के लोग सूचना देने में इतना घबराते हैं, कोई पब्लिक सरकारी सूचना हो इतना डरते हैं देने में, उन्हें हमेशा लगता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उनके ऊपर हावी हो जाएगा, जेल हो जाएगी। इसमें लिखा है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जिसको PIO बनाया गया है उसकी जिम्मेदारी है कि सूचनाएं दे, उसमें लिखा है कि अपराध है सूचना देना, ऐसे में सरकारी कर्मचारी क्या करे। तो कानून की भाषा में दो फ्रेजेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक फ्रेज होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऐसे, और दूसरा एक शब्द होता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग। ये शब्द कहीं भी पढ़ने को मिले ना उसका सेंस समझ जाएगा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग ऐसे। तो जब सरकार चाहती है कि इस अधिनियम को पावर ज्यादा देनी है तो लिखते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं दूसरी जगह कुछ भी लिखा हो यह माना जाएगा, अन्य उपबंधों के होने के बावजूद, नॉट विथस्टैंडिंग का हिंदी होता है के बावजूद, और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन का मतलब होता है के अधीन रहते हुए। इस एक्ट में कहीं कहीं आपको नॉट विथस्टैंडिंग वाली भाषा मिलेगी, कहीं कहीं सब्जेक्ट टू वाली भाषा मिलेगी।
तो सेक्शन 3 में क्या बात है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक के पास सूचना का अधिकार होगा। इसका मतलब सूचना का अधिकार तो होगा, किंतु यदि इस एक्ट में कुछ लिमिटेशंस हैं तो उन लिमिटेशंस को मानना पड़ेगा, उन लिमिटेशंस को मानते हुए सूचना का अधिकार होगा। और इसका जो सेक्शन 8 आएगा उसमें बहुत सारी लिमिटेशन बताई हैं, सेक्शन 8 में भी और एक सेक्शन 9 में भी लिमिटेशन है। तो सेक्शन 3 में आपको मिल गया अधिकार सूचना का, बताइए बहुत बहुत आप लोगों को अभी भी आपको सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ है सेक्शन 3 के तहत। अब आइए सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 ये बताता है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इस एक्ट के लागू होने के बाद। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, लोक प्राधिकारियों का दायित्व, लोक प्राधिकारियों का दायित्व क्या होगा। एक विशेष दायित्व लगाया गया था ताकि चीजें बड़ी आसानी से हो सके। देखो जैसे सूचना का अधिकार दिया, इसका मतलब अब जनता कुछ भी पूछ सकती है। सूचना का अधिकार आने से पहले सूचना का अधिकार केवल किसके पास था, एमपी के पास था, एमएलए के पास था, एमएलसी के पास था और किसी के पास नहीं था। थोड़ा बहुत मीडिया के जुगाड़ू लोग जो अंदर से निकाल लेते सूचना, उनके पास था। आपने संविधान तो पढ़ा ही है, आपने सुना होगा कि तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है। जब सिविल सेवक बनेंगे ना तो आपके जीवन का एक बहुत मुश्किल दिन आने वाला है। मेरा आया था, मैं तो कुछ ही महीने नौकरी की, उसमें वो दिन आ गया था मेरे जीवन में। उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट की ड्यूटी लग जाती है कि आपको उस दिन संसद में जाना है डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं होम मिनिस्ट्री में था उसमें, भारत सरकार में। मैं तो नया नया था, अभी सीख ही रहा था, लेकिन हमारे बॉस को कोई खुंदक रही होगी, उसने मेरा नाम भेज दिया कि लोकसभा की ड्यूटी में आपको जाना है। मैं खुश था कि लोकसभा देख लूंगा, इसी बहाने की लोकसभा को देख के बड़ा मजा आएगा। जब ट्रेनिंग में दिखा देते हैं लेकिन वो खाली होती है उस दिन, भरी लोकसभा नहीं देख पाते। तो जब ड्यूटी में जाएंगे तो भरी लोकसभा होती है उस दिन। तो होम मिनिस्टर थे लालकृष्ण आडवाणी उस समय, लोह पुरुष, उस समय वो होम मिनिस्टर थे। मैं होम मिनिस्ट्री में नौकरी करता था तो वो हमारे बॉस थे एक तरह से। तो उसमें मैं तो खुश था कि मजा आएगा। तो ड्यूटी ये होती है कि जब क्वेश्चन आवर चलता है ना प्रश्नकाल, तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित भी होते हैं। तो ऐसे जैसे ये मान लीजिए लोकसभा में ये चेयरपर्सन बैठा है, ऐसे करके बैठे होते हैं, पता ही आपको, ये सत्ता पक्ष ऐसे बैठता है इस तरफ, फिर बीच का रास्ता होता है, यहाँ विपक्ष चलता रहता है। देखा ही आपने लोकसभा कैसी होती है। तो अच्छा, सिक्योरिटी वहाँ इतनी अच्छी है कि मैं पहली बार गया था, चलते चलते मैं अंदर ही पहुँच गया कमरे के जहाँ सब सांसद बैठे थे। तब मैंने किसी सिक्योरिटी वाले से पूछा, मैंने कहा मैं होम मिनिस्ट्री से आया हूँ, मुझे कहाँ बैठना चाहिए। तो बोला कि आप सांसद नहीं है। मैंने कहा नहीं। फिर लेके भागा मुझे साथ में कि मैं भाग गया, भाग ऐसे। तो इतनी सुरक्षा टाइट थी वहाँ पर। वहाँ प्रधानमंत्री बैठे, वाजपेयी जी बैठे, लालकृष्ण आडवाणी बैठे, सब मंत्री मंत्री बैठे वहाँ पर, और कोई ऐसे घुस गया अंदर वहाँ, मतलब मैं कोई नहीं, मैं घुस गया था बाई मिस्टेक। तो मैं तब से खुश हूँ कि मैं दिखने में सांसद लगता हूँ। मैं ये सोच के खुश रहता हूँ कि शायद इस वजह से उन्हें कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो खुश रहने के लिए कुछ बहाने हो आदमी के पास तो क्या बुरी बात है, बहाने होने चाहिए। बहरहाल तो फिर उन्होंने खिड़की में बिठा दिया मुझे। ये जो है ना, ये जो मंत्री होते हैं ना, यहाँ पास में विंडो बॉक्स होता है, खिड़की में बॉक्स होता है, अच्छा होता है, ठीक से बैठने की व्यवस्था होती है वहाँ। वहाँ सभी मिनिस्ट्रीज के मतलब सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। सिविल सर्विस में आने के बाद आप सीनियर मान लिए जाएंगे पहले दिन से ही, फिर आप जूनियर नहीं है, आप सीनियर हैं उस दिन से। इनकी भूमिका क्या होती है कि जब प्रश्नकाल चलता है ना, जैसे होम मिनिस्ट्री का आ गया प्रश्न, तो होम मिनिस्टर यहाँ कोने में खड़े हो जाएंगे, अब प्रश्न का जवाब देंगे। अगर अनस्टार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ड में क्या होता है प्रति प्रश्न आ जाता है, क्रॉस क्वेश्चन। और होम मिनिस्टर मतलब किसी मिनिस्टर को कुछ पता थोड़ा ना होता है, मिनिस्टर कहाँ से इतना पता करेगा। तो वो जवाब देता है, एक जवाब दिया, इतने में किसी और ने वो लिख के लाया था घर से लंबा सा क्वेश्चन, उसने पूछ लिया कि मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है। फिर मंत्री क्या करता है, मंत्री बाई और देखता है ऐसे, इसका मतलब है कि जो ऑफिसर आया ना उसको जवाब देना है इसका। और जवाब देने के लिए जरूरी है कि आपने उस चीज को पूरा खंगाल रखा हो ठीक से, और वहाँ समय नहीं होता, क्योंकि जब होम मिनिस्टर देख रहा था, पीएम भी ऐसा देख रहा होता, कई मिनिस्टर ऐसा देख रहे होते हैं। तो उस एक क्षण में लगता है कि मर क्यों नहीं जाए आदमी, उस एक क्षण में ये भाव मेरे मन में तो आ ही गया था। प्रश्न इतना फैक्चुअल था, कौन इतना फैक्चुअल सवाल दे, पहला अनुभव था। तो आडवाणी जी ऐसे देख, मेरे सर 10 मिनट चाहिए इसके लिए, उन्होंने एकदम मतलब अंगारे वाली निगाह से देखा, फिर उन्होंने कहा कि 10 मिनट रुकिए, जवाब देते हैं। चलो वो ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिस में जो फैक्चुअल सवाल होता है टाइम लगता है। फिर क्या होता है कि मैंने क्वेश्चन लिया अपने फोन के डिपार्टमेंट में, वहाँ कई लोग तैयार बैठे होते हैं इसी काम के लिए। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर ऐसा, मतलब सबकी सांस अटकी होती है, मिनिस्ट्रीज में सबकी सांस अटकी होती है उस समय। तो मैंने फोन करके बताया कि ये क्वेश्चन है, खटाक से वहाँ से आंसर बनने शुरू हुए, 10 मिनट के अंदर आंसर सारे फैक्स हुए। वो फैक्स लेके फिर मैं खड़ा हुआ, परवाणी जी पास खड़े हुए, मैं बोलता गया, वो माइक पे बोलते गए। मतलब ऐसे ही होता है, मतलब मैंने कोई तीर नहीं मार दिया, वो नॉर्मल सिस्टम ऐसा है वहाँ पर। जब आप किसी विधानसभा में जाएंगे वहाँ भी ऐसा होगा, सिस्टम है। सिविल सर्वेंट होने में एक शहादत ये भी देनी होती है कि आप
इस दिन संसद या विधानसभा की ड्यूटी में जाएं और मंत्री आपको घूम के देखे और दो तीन बार देख लिया तो नोट कर लेता नाम, कहता अच्छा नाम बता अपना तू, आज शाम को देखता हूँ तुझे। अब इसमें क्या है कि पब्लिक अथॉरिटीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सेक्शन 4 बताई गई है ना, वो मैं जो कह रहा था इससे पहले क्या था कि क्वेश्चन पूछने का राइट केवल एमपी एमएलए को था, वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते थे, सरकार को देनी होती थी संसद में विधानसभा में, लेकिन आम आदमी कोई प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं होता था। पहली बार आम आदमी को वो राइट मिला, और ये बात कब की, उससे कुछ साल पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें बहुत सारे सांसद फंसे थे कि वो संसद में प्रश्न पूछने के बदले पैसा लेते थे, 40,000-50,000 रुपए एक प्रश्न पूछने का लेते थे। जब स्टिंग ऑपरेशन आ गया, सबसे तेज चैनल पे आया था, तो उसके बाद ये प्रश्न उठने लगा कि ये विशेषाधिकार क्यों सांसदों के पास है, देश की जनता को ये अधिकार क्यों नहीं है कि उसके पास खुद ही सूचना मिल जाए। तब आरटीआई की भूमिका बनी और तब एक बात ये दिमाग में आई कि जैसे ही सूचना का अधिकार देंगे देश का हर नागरिक या बहुत सारे नागरिक चाहेंगे कि बहुत सारी सूचनाएं मंगवाएं, इतनी चिट्ठियां आएंगी कि सरकार हिल जाएगी, जवाब देते देते बाकी काम छूट जाएंगे उनके। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर क्या लिया, इन्होंने कहा कि इस एक्ट के लागू होने के 120 दिनों के भीतर, 4 महीने का समय दिया, 120 दिनों के भीतर प्रत्येक लोक प्राधिकरण यानी प्रत्येक सरकारी विभाग क्या करेगा, 120 दिनों के भीतर प्रत्येक लोक प्राधिकरण या लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी, इन्हें क्या करना है, अपनी जितनी सूचनाएं हैं अपने विभाग से जुड़ी सूचनाएं किस फॉर्म में, क्लासिफाइड फॉर्म में, वर्गीकृत रूप में, वर्गीकृत रूप में क्या करना है, इसे प्रस्तुत करके जनता के समक्ष रख देना है, जनता के समक्ष प्रस्तुत करना, ये काम दिया गया था। पर्पस ये था कि 100 में से 99 प्रश्न ऐसे होंगे जिनको हम पहले से टाल सकते हैं क्योंकि उसकी सूचना पहले ही हमने दे दी है, और अब आपको कोई सूचना चाहिए हो ना तो 99% केसेस में इंफॉर्मेशन वैसे ही उपलब्ध है। आप किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाइए, किसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए, सारी सूचनाएं मिल जाएंगी जो आप चाह रहे हैं लेना। ये अच्छी बात है ना, क्यों इतनी चिट्ठी पत्र लोग लिखें, सूचना वैसे मिल जानी चाहिए। तो 120 दिन के अंदर हर लोक अधिकारी सूचनाएं देगा क्लासिफाइड फॉर्म में, और प्रस्तुत कैसे करेगा, उसमें लिखे कई तरीकों से, जिसमें एक लिखा है अखबारों में छापेगा और दूसरा लिखा है इंटरनेट के माध्यम से पेश करेगा तथा अन्य माध्यम भी। उस समय इंटरनेट ठीक से व्यवहार में आना शुरू हुआ था, अब आज के समय में आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट के होने के बाद बाकी चीजें बहुत छोटी हो गई हैं, लेकिन उस समय ऐसा कि अखबारों में हर विभाग छापेगा साथ में इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन रखेगा। और ये जो अभ्यास होगा, ये कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस होगी, ये नियमित रूप से होगा, जैसे जैसे सूचनाएं आएंगी उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करना उस विभाग की जिम्मेदारी होगी, अपडेट करना उसकी जिम्मेदारी होगी, ताकि किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कोई भी सूचना चाहिए हो तो मांगनी ना पड़े, वो सूचना पहले से उसके पास उपलब्ध हो आसान तरीके से। बस स्पष्ट है, 120 दिन का प्रोविजन था, और इस प्रोविजन के समय अगर आप लोग उस समय एक्टिव होते तो आप देखते अखबार रंगे होते थे उन सूचनाओं से जो विभिन्न अधिकारी विभिन्न मिनिस्ट्रीज छापती थी अपने विभाग के बारे में। चलिए इसके बाद सेक्शन 5 है, जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस में से एक है। सेक्शन 5 जिसके बारे में है उसका नाम है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सेक्शन 5 का नाम है डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO लिख दूं चल जाएगा काम, ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO यानी PO, ठीक। तो देखो क्या है, 120 दिन का समय था सूचनाएं छापने का, उसी से पहले एक नियम बनाया कि प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी यानी कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण, लोक प्राधिकरण का मोटा मोटा मतलब हर सरकारी ऑफिस, हर सरकारी विभाग, इसका मतलब यह हुआ 100 दिनों के अंदर, इस एक्ट के लागू होने के 100 दिनों के अंदर क्या करेगा। अब लोक प्राधिकारी हो सकता है केंद्र सरकार का हो सकता है राज्य सरकार का हो, सेंटर का हो, स्टेट का हो, तो जो सेंटर के ऑफिसेज हैं, केंद्र सरकार के जो ऑफिसेज हैं, वो सारे के सारे 100 दिनों के अंदर नियुक्त करेंगे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO। जो भी केंद्र सरकार के ऑफिस में PIO होगा उसको आप बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं CPIO, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्पष्ट है। अब रीजनिंग का सवाल है, राज्य में क्या होगा, क्या बात, गजब, अद्भुत, SPIO। यही तो ख्याति आप लोगों की दूर दूर तक है कि बताने से पहले अभिमन्यु की तरह जान जाते हैं आप लोग। तो SPIO यानी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा जो राज्य सरकार के तहत किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा, ठीक है। ये होंगे बड़े अधिकारी सब डिविजनल लेवल पर। सब डिविजन के दो मतलब होते हैं, एक तो होते हैं जिले के अंदर, सब डिविजन क्या होती है, जो SDM जो होता है ना, जैसे
पर एक जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उसमें भी डिवीजन सब डिवीजन इस तरह से मतलब वर्गीकरण होता है। सब डिवीजनल लेवल पर जो अधिकारी बनेंगे उसको बनाएंगे असिस्टेंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ACPIO। अब फिर से आपको बताना है एक बहुत मुश्किल सवाल, राज्य में क्या होगा ASPIO? वैसे सही बात पता क्या है, SAPIO और CAPIO है, पहले सेंट्रल आएगा फिर APIO हो जाएगा, आप थोड़ा सा चेंज कर लें, CPO हो गया CPO, और ये KPO, तो केंद्र में कौन बनेगा KPO और राज्य में CPO, ये बनेंगे SDM यानी सब डिविजन लेवल पर ये होगा। अब सवाल है कि PIO जो है, इन सबका बेसिक नाम PIO है, इनके डेजिग्नेशन अलग अलग है, CPIO CAPIO सब डेजिग्नेशन है, बेसिकली ये सब क्या है, PO है, PIO है इस एक्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसको क्या क्या काम करने हैं। इसे काम करना है कि जो भी व्यक्ति सूचना मांगेगा उनसे आवेदन स्वीकार करना और उनकी मदद करना, आवेदन करने में मदद करना भी शामिल है। कई ऐसे लोग होते हैं जो आवेदन कर नहीं पाते हैं ठीक से, तो उनको आवेदन करने में भी हेल्प करने की जिम्मेदारी इस व्यक्ति की होती है, ठीक है। और दूसरा होता है कि ये उन सब प्रश्नों का जवाब देगा, सूचनाएं उपलब्ध कराना, ये मेन काम इसका है, सूचनाएं प्रदान करना। अच्छा, उन दिनों ये हुआ था कि सरकार ने जिन जिन लोगों से हिसाब बराबर करना था ना सबको PIO बना दिया था। PIO जब बना रहे थे ना सब लोग छुट्टी पे जा रहे थे उससे भाग भाग के कि हमारा नंबर ना आ जाए इसमें, क्योंकि इतना तबाही वाला काम है। अच्छा, नए नए अधिकार आते, लोग ज्यादा उत्सुक भी होते हैं उस समय, इतनी चिट्ठियां आती थी इनके पास, ये तबाह हो जाते थे सबका जवाब देने में, और जवाब ना दे तो आगे प्रावधान है कि उनको फाइन लगता था पर्सनल, उनकी सैलरी से फाइन कटता था। तो इसलिए उस समय सब बोले कि PIO मुझे मत बनाइए, इनको बनाइए, बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे कर रहे थे उन दिनों, तो बड़ा झगड़ा था। इसलिए इस तबाही से बचने के लिए एक प्रावधान क्या है, PIO को अधिकार होगा अपने कार्य के निष्पादन में किसी भी अन्य अधिकारी से सलाह या सहायता ले सकेगा, किसी भी अन्य अधिकारी से सहायता लेने का अधिकार, सहायता ले सकेगा। आप अपने प्रश्न पुनर्विचार कीजिए, आपने कहा सिर्फ वरिष्ठ से लेगा या कनिष्ठ से भी ले सकता है, इसको रिफ्रेस करना चाहेंगे प्रश्न को। प्रश्न ये है कि आप अपने घर में सिर्फ अपने पापा को धमका पाती हैं या छोटे भाई को भी धमका लेती हैं? मैं से जवाब नहीं मांग रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये प्रश्न ठीक है या गलत है, क्या प्रश्न होना चाहिए था। अच्छा, इसका सही प्रश्न कौन बनाएगा, प्रश्न क्या हो सकता है अगर बनेगा तो? प्रश्न बनेगा, आप अपने घर में सिर्फ छोटे भाई को धमका पाते हैं या पापा को भी धमका लेते हैं, यही बनेगा ना। आपने जो पूछा मुझसे वो ये कि ये सिर्फ अपने सीनियर से काम लेगा या जूनियर से भी ले सकता है, चलो इसका उत्तर सोचना मन के अंदर से निकलेगा। ओशो रजनीश ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब कोई प्रश्न मन में उठे थोड़ा और अंदर झांको, उत्तर वही है, बस थोड़ा झांकने में कमी रह गई है, थोड़ा झांको उत्तर वही मिलेगा, वहीं से निकाल लो। चलिए, ये हुआ सेक्शन 5। अब है सेक्शन 6, ये आपके लिए बहुत काम का है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि IAS तो बनेंगे ही, उससे पहले एक दो बार इस अधिकार का उपयोग कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज है, किया तो अच्छी बात है, जिससे नहीं किया आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं इससे खत्म हो सकती हैं, अभी देखते हैं कैसे। सेक्शन 6 में बताया है ऑब्टेनिंग, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन या ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्ति का निवेदन, हेडिंग बना लीजिए सूचना प्राप्ति का निवेदन, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। तो यदि आपको सूचना लेनी हो भारत सरकार से या राज्य सरकार से, कैसे लेंगे सूचना? तो पहली बात तो इसमें कोई निश्चित प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि चिट्ठी इस प्रकार की होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर लंबी 3 सेंटीमीटर मोटी चिट्ठी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। सामान्य कागज पे जो जो बातें ध्यान रखने की है, पहली बात जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो पहली बात कौन सी भाषा में भेजेंगे, लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे, इसमें तीन स्कोप आपके पास है। पहला स्कोप है कि आप चिट्ठी को अंग्रेजी में लिखें, ऐसी इंग्लिश जो वो समझ लें, दूसरा स्कोप है हिंदी में लिखें, और तीसरा स्कोप है उस राज्य की किसी अन्य ऑफिशियल लैंग्वेज में। आपको ये पता ना कि किसी राज्य में कोई दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है, जिसका एग्जांपल है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ उर्दू भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, और बिहार में कौन सी है, उर्दू भी है, बहुत बढ़िया। बिहार में मैथिली नहीं है, क्या बात है, बिहार में मैथिली नहीं राजभाषा, और केंद्र में है, वाह चलो। और पंजाब, पंजाब से कौन कौन है अपने से, हरियाणा में कौन सी है, हरियाणा पंजाबी है, होगी, हाँ पंजाबी होगी वहाँ, ठीक है। चलो पहली बात लैंग्वेज हो गई,
दूसरा है कि आप किस मोड से, किस माध्यम से अपनी बात भेज सकते हैं, आपके निवेदन का माध्यम क्या हो सकता है। तो माध्यम एक तो हो सकता है कि आप लिखित तरीके से चिट्ठी भेजें और अच्छी चिट्ठी ड्राफ्ट करें। देखो चिट्ठी ड्राफ्ट करने का तरीका क्या होता है, मतलब मैंने इसे भरपूर इस्तेमाल किया, सेक्टर कई बार किया है, यूपीएससी से भी किया था जब मैं एग्जाम दे रहा था और मुझे कई डाउट्स थे, तो मैंने लंबे लंबे सूचना के अधिकारी पत्र लिखे और शुरू में सबके जवाब दिया है, वो सब मेरे पास संकलित है, बाद में कम वक्त में जवाब देना बंद कर दिया, मतलब बंद कर दिया, मैंने कैसे बंद किया मैं समझाऊंगा, इस एक्ट के तहत कैसे बंद किया वो समझाऊंगा। तो बड़ा सिंपल है, आप लिखें सेवा में मुख्य सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और जो भी संस्था उसका नाम ले दीजिए। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं जिले में ये दिक्कत आ रही है, मैं कहाँ लिखूं, मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, डीएम के नाम पर लिखो। सिंपल, सेवा में लोक सूचना अधिकारी, जिलाधीश कार्यालय, जिलाधीश, जिला डैश डैश डैश, वहां भेज दो सीधे, भेजना रजिस्टर पोस्ट से ताकि प्रमाण रहे कि भेजा है। उसके बाद उनका हेडेक है कि सही पते पर पहुंच जाए, फिर आपका हेडेक नहीं है। इतना ही नहीं, आपको भेजना था मान लीजिए खाद्य और रसद विभाग में, भेज दिया सड़क विभाग में, तब भी दिक्कत नहीं है, तब भी उनका हेडेक है कि वो सही पते पर भेजें उसको, चिंता नहीं करनी है, बस कहीं भेज देना है। और सरकार को भेजना है, प्राइवेट को नहीं कि कौशल्या की माँ ऐसे करके भेज दिया, ऐसा नहीं, भेजना है किसी सरकारी कार्यालय को भेजना है, उसके बाद उनका हेडेक है कि वो सही पते पर उसको भेज दें। ठीक है, तो भेजा, पत्र कैसे लिखना है, सेवा में जन सूचना अधिकारी, उसके बाद लिखिए महोदय मैं भारत का नागरिक हूँ और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए निम्नलिखित सूचनाएं चाहता हूं या चाहती हूं। पॉइंट्स लिखना, कंफ्यूजन नहीं करना है वरना वो और कंफ्यूज कर देंगे आपको। नंबर एक, जैसे कोई सूचना मान लीजिए आपको सड़क के बारे में, आपको किसी ने बताया कि आपके घर के सामने सड़क बन चुकी है और आप घर के सामने खड़े दिख नहीं रही सड़क आपको, सरकार कह रही कि बन चुकी 3 साल से, आपकी यहाँ खराब हो गई है और आप पूरा मोहल्ला परेशान है कि दिख नहीं रही सड़क आपको, तो आपने कुछ नहीं करना, चिट्ठी भेजनी है केवल कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस मोहल्ले के लिए कोई सड़क पास हुई थी, प्रश्न क्रमांक एक ये है। नंबर दो, यदि प्रश्न एक का उत्तर हाँ है तो किस तिथि को हुई थी, और उसमें साथ में लिखे ख में जो सड़क पास हुई थी उसके आदेश की प्रतिलिपि कृपया संलग्न करें। फिर नंबर तीन, जब यह सड़क, अगर यह सड़क पास हुई थी तो इस सड़क को बनाने का टेंडर देने वाले अधिकारी का नाम क्या था, टेंडर किस कंपनी को दिया गया था उसका नाम क्या था, और किस पत्र के माध्यम से दिया गया था, उस पत्र की प्रतिलिपि कृपया यह भी प्रेषित करने की कृपा करें। और नंबर चार, यदि सड़क बनाने में कोई अनियमितता हुई हो तो उस कर्मचारी के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, कृपया उसका ब्यौरा भी दे। नंबर पांच, उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करनी हो तो किस अधिकारी से संपर्क करना होगा, कृपया यह भी बताने की कृपा करें। ऐसे ये होती है वकीलों वाली भाषा, अब समझ गए बात को, एकदम क्लासिफाइड तरीके से, 1 2 3 4 5 एकदम लॉजिकल फ्लो में, कुछ नहीं करना है। उसके बाद 10 रुपए का एक वो जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वो पे कर दीजिए, उस पर टिकट चिपका दीजिए 10 रुपए की, और अगर भोकाल बनाना है तो बाई हैंड दे के आइए, अगर आप चाह रहे हैं कि माहौल ना बने केवल काम हो जाए तो बाई रजिस्टर्ड पोस्ट उसको भेज दीजिए। ईमेल से भी भेज सकते हैं, आजकल तो कोई दिक्कत है, ईमेल से भेजिए क्या दिक्कत है, अपने नाम से भेजना ठीक है, अगर डर लगता है किसी और के नाम से भेज दीजिए क्या दिक्कत है। आमतौर पर वो पूछेंगे नहीं आपसे क्या भारत के नागरिक है या नहीं, अगर पूछेंगे तो बता दीजिएगा, जैसे एक ईमेल आईडी नकली बना लीजिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी पहचान उजागर हो नकली बना लीजिए। आमतौर पर वो नहीं पूछते हैं, अगर कोई आप ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगे जैसे उनको डाउट हो तो हो सकता है आपसे कहें कि नागरिकता का प्रमाण दीजिए फिर हम सूचना भेजेंगे आपको, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे अनुभव में है कि आज तक उन्होंने पूछा नहीं है, कभी भी पूछते नहीं है जनरली, जब तक इन्फॉर्मेशन सामान्य किस्म की है तो पूछेंगे। जब आप ईमेल से भेजेंगे तो ईमेल एक एड्रेस ही तो जाएगा, हाँ उसमें एड्रेस देना पड़ेगा, अगर आप बाई हैंड बाई पेपर भेज रहे हैं तो एड्रेस देना होगा, पर ये कहाँ जरूरी कि अपने ही देना होगा, अगर केवल दबाव बनाना है किसी का नाम किसी का पता लेके भेज दो, और उनको सूचना कहीं ना कहीं भेजनी है इसी में उनकी हालत खराब हो जाएगी, आपको ही भेजनी कहाँ जरूरी है, कहीं भेजनी है। मैनेज कैसे करते बताऊँगा आपको, मैनेज भी करते हैं वो लोग, कैसे करते बताऊँगा आपको, लेकिन इससे काम बड़े धूमधाम से होते हैं। मैनेज तो होता है केवल तब जब सूचना मांगने वाला डरपोक हो या एडजस्टमेंट में शामिल हो जाए, अगर वो ठान ले तो सरकार हिल जाती है इस मामले में। मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था ना एक बार, वो जो मुर्गा मार्केट या मछली मार्केट थी, कितना सिंपल एग्जांपल था, वो सिंपल सी लड़की थी, कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं थी, केवल आरटीआई में उसने एप्लीकेशन भेजी, दुकानें बंद हो गई सारी के सारी। ऐसे कई केसेस हैं, खतरा भी होता है आरटीआई एक्टिविस्ट पे, खतरा भी आता है क्योंकि बड़े बड़े संगठित गिरोह चल रहे हैं प्रशासन की दुनिया में, वो हिल जाते हैं। मैं कोई
ये कह रहा मैनेज कैसे करते हैं, मैं कोई एग्जांपल देके समझाता हूँ मैनेज कैसे करते हैं। जैसे अगर आपके आसपास कोई इलीगल एक्टिविटी दिख रही हो आपको, आप सूचना के अधिकार के तहत किसी विभाग से पूछ लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आप पूछेंगे वो PIO क्या करते हैं आमतौर पर, उस व्यक्ति से बात करते हैं कि भाई ऐसी चिट्ठी आई है आपके बारे में, फिर वो मिलकर पता करते हैं किसने भेजी है, सही नाम से तो पहचान जाते हैं उसको, फिर उसको दबाव बनाते हैं, फिर सहमति बन जाती है, और जैसे सहमति बनती है तो एक ही रास्ता है कि वो व्यक्ति खुद जाके लिख के दे कि मुझे सूचना अन्य स्रोतों से प्राप्त हो गई है, कृपया सूचना मेरे पास ना भेजें। ये मैकेनिज्म काम करता है, पर इसकी शर्त है कि जिस व्यक्ति ने सूचना मांगी है वो दूसरा पत्र लिख के भेजे कि अब मुझे सूचना नहीं चाहिए, नहीं तो सूचना आएगी ही आएगी। और सूचना नहीं आने के जो तरीके हैं वो सेक्शन 8 में कुछ बताए गए हैं, जब वहां पहुंचेंगे वहां देखेंगे वहां तरीका है। अब सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मोहल्ले में कई घर थे, उनमें से एक घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ हर घर में थोड़ी बहुत थी, वो भी करवा रहा था। किसी पड़ोसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट भेज दी सूचना के अधिकार में कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस फ्लैट नंबर में क्या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, यदि है तो परमिशन कैसे मिली, एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, तो एक्शन क्या लिया गया बताइए, ऐसे करके भेज दिया। दिल्ली की बात है, DDA वाले परेशान, वो आए, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा फ्लैट तो टूटेगा, चिट्ठी आई है सूचना के अधिकार में, तो पता किया गया किसने भेजी है, पता लग ही जाता कोई लगाने पे आ जाए तो। फिर क्या हुआ, जिसके खिलाफ चिट्ठी गई थी उसने कहा कोई बात नहीं एक मैं भी लगा देता हूँ, उसने दूसरी चिट्ठी लगाई, इस मोहल्ले में कितने फ्लैट्स में इलीगल कंस्ट्रक्शन है कृपया बताएं, नंबर एक। नंबर दो, इस बारे में आखिरी सर्वे कब हुआ था। नंबर तीन, क्या कोई एक्शन लिया गया था, यदि हाँ तो क्या, उस एक्शन की रिपोर्ट मेरे पास जारी करें, ऐसे ऐसे करके भेज दिया। ये चिट्ठी जाते ही अब सारे घर खतरे में आ गए, फिर सबकी पंचायत हुई, और पंचायत के बाद क्या फैसला हुआ, दोनों गए कि सूचना मिल गई है अब नहीं चाहिए। ये सब पब्लिक प्रेशर्स होते हैं जिन प्रेशर में लोग वापस हटते हैं, नहीं तो कानून बहुत ताकतवर है, अगर कानून का ठीक से प्रयोग किया जाए ताकतवर है। खैर, लिखित हो सकता है, दूसरा ईमेल से हो सकता है, बस 10 रुपए की पेमेंट करनी होती है अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं तो, ठीक। और तीसरा, मान लीजिए कि आपको ना लिखना आता है ना ईमेल करना आता है, आपको मतलब किसी को, कोई ऐसा है बड़ी उम्र का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, पर उसका बहुत मन कर रहा है सूचना मांगने का, और उस सरकार के पास गया, उसने कहा सूचना के अधिकार में सूचना चाहिए, लोगों ने कहा लिख के बताओ, लिखना नहीं आता, बोले ईमेल करो, बोले दिमाग खराब है, जिसको जिसको लिखना नहीं आता वो ईमेल कैसे करेगा, कॉमन सेंस, किसने बनाया तुम्हें सरकारी अधिकारी। तो PIO की एक जिम्मेदारी और भी है, PIO की जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्ति जो लिख नहीं सकते, ईमेल नहीं कर सकते, उन्हें PIO असिस्ट करेगा और उनकी डिमांड को कागज या ईमेल के रूप में कन्वर्ट करेगा, ताकि उनको भी सूचना के अधिकार का लाभ दिया जा सके। स्पष्ट हुई बात। तीसरी बात, आप जो भी ईमेल भेजेंगे या पत्र भेजेंगे किसको एड्रेस करेंगे, एड्रेस टू, या एड्रेस करने का मतलब किसको संबोधित करेंगे, संबोधित करना है हमेशा या तो CPIO को, या SPIO, या KPO, या CPO, कोई याद ना रहे ना खाली PO कर देना, PIO, वो अपने आप सही पते पर पहुंच जाएगा, चिंता मत कीजिए, बस PIO इसी विभाग का नाम लिखिए, थोड़ा प्रयोग करके देखो ना, एक छोटा मोटा प्रयोग, बड़ा मजा आएगा आपको, जिंदगी में रोमांच आ जाएगा, सरकार के फोन आएंगे पहली बार आपके पास, अगर आप चाहते हैं बड़े आदमी का फोन आए तो MPLED स्कीम के बारे में पत्र लिखो सरकार को कि हमारे जो MP साहब हैं उनके फंड का कितना कितना हिस्सा किस किस योजना पर खर्च हुआ पिछले 5 साल में, उसी डिटेल सही है मुझे, और साथ में देखो यदि उस पर भ्रष्टाचार हुआ हो तो शिकायत कहाँ करनी है ये बताइए। सीधे MP साहब पहले गुड़गे आएंगे, फिर MP साहब खुद आएंगे मिलने के लिए, घर आके बात करेंगे आपसे। अगर MP का नाम कुछ ऐसा है कि अंत में भैया भैया लगा हुआ तो उठवा लेंगे आपको भी, और अगर MP ठीक ठाक है तो फिर आप घर पे आके आपसे बात करेंगे। इसके बाद है कि फी, फी एक्ट में लिखा है कि जो प्रिस्क्राइब फी है, यानी जो उसके लिए निर्धारित फीस है, हाँ एकदम धूमधाम से, दूसरे व्यक्ति की भी हो सकती है अगर आप ये साबित कर दें कि आप लोक हित में जानना चाह रहे हैं, ना कि कोई पर्सनल आपका एजेंडा है, आगे आएगा वो पॉइंट आएगा, कर सकते। इतना ही नहीं, कोई संपत्ति किसकी है ये जानना चाह रहे हैं ना, ये तो वैसे भी जान सकते हैं, इसके लिए तो इस अधिकार की जरूरत ही नहीं है, पता क्या करना है, वो तो वैसे भी लीगली अलाउड है। जैसे दिल्ली में अगर पता करना हो तो जो एजेंसी लैंड रिकॉर्ड रखती है, जैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार के पास होते हैं, या अगर DDA की करो नहीं तो DDA के पास होगा, कुछ MCD के पास होता है, जो अधिकृत एजेंसी है आप उसके पास एक पत्र लिखिए कि मुझे इस संपत्ति के मालिकाना हक की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, एक निर्धारित फीस है 700 रुपए के आसपास, वो आप जमा करेंगे, वो विभाग उसकी जो रजिस्ट्री है लेटेस्ट या उससे पहले की भी,
उसकी ट्रू कॉपी स्टैंप लगा के आपको देगा, टीएस की फाइनल कॉपी है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए परमाणु बम का प्रयोग मच्छर मारने के लिए क्यों करोगे, वो बड़ी चीजों के लिए करो। लेकिन हाँ, इसके तहत भी कर सकते हैं, इसके बिना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पता नहीं देना सही है कि गलत है, लेकिन देते हैं वो इस ग्राउंड पर देते हैं कि मान लीजिए कोई संपत्ति खरीदना चाह रहा है। कई बार पता क्या होता है, एक ही घर चार बार बिक जाता है। एक ही आदमी ने एक ही घर डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के बेस पर चार लोगों को बेच दिया। ये घपले ना हो, इसका एक ही तरीका है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदे, पहले सरकार से उसके मालिकाना हक की चेन मांगे पूरी। सरकार अटेस्ट करके देती है, उससे गारंटी मिलती है कि आप उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। जैसे बैंक है, बैंक से जब भी लोन लेंगे, बैंक के लोग सरकार से डॉक्यूमेंट्स पूरे लेते हैं, ट्रू कॉपी, उसके बेस पे लोन देते हैं। तो सवाल है कि बैंक को किसी और की प्रॉपर्टी की चेन कैसे मिल जाती है। तो इसीलिए है कि प्रॉपर्टी के लेन देन में घपले ना हो, इस वजह से कई सरकारों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। एमपी फंड का पूछना पड़ेगा, पहले नेट पर सर्च कीजिए कि आपके राज्य में एमपी फंड किस डिपार्टमेंट के थ्रू खर्च होता है। जैसे दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके थ्रू खर्च होता है। तो दिल्ली में करना हो तो लोक सूचना अधिकारी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार, और नहीं तो छोड़ो ना यार, लोक सूचना अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय दिल्ली भेजो। फिर उनका हेडेक है ना, तुम तो भेजो बस। फी बाद में जो रूल्स है उसके तहत फीस 10 रुपए की है। आपको कोई भी सूचना मांगनी हो, 10 रुपए की फीस उसमें देनी पड़ती है, और उसमें भी जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको इस बात से छूट है। उनको ये प्रमाणित करना होता है, गरीबी रेखा से नीचे है, ये प्रमाणित करने में 20 रुपए लग जाते हैं। इससे ज्यादा अच्छा क्या 200 रुपए दे के सूचना मंगवा ले, वो ज्यादा ठीक है। चलिए, सबसे रोचक जो हमारे देश के आरटीआई में है, जो कुछ देशों में नहीं है, वो ये है कि हमारे आरटीआई में कारण बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं बताना होता कि मुझे ये सूचना क्यों चाहिए। कुछ देशों में क्या होता है, बताना पड़ता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि ये विशेष परिस्थिति है। भारत की आरटीआई में खुली छूट है, ये समझ लो। आप कोई भी सूचना मांगे बिल्कुल मत बताइए कि क्यों मांग रहे हैं, आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, आप मांग लीजिए, देने लायक होगी तो वो सूचना आपको दे देंगे। अंतिम बात वही जो मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए कि आपने सूचना का आवेदन गलत पते पर भेज दिया, गलत पता, तो गलत अधिकारी के पास भेज दिया। मैं गलत पता लिख रहा हूं, आप लिखो गलत अधिकारी, ठीक। बस वो सरकारी अधिकारी होना चाहिए। तो उस सरकारी अधिकारी की दो जिम्मेदारियां हैं जिसको भेजा आपने। अगर किसी को वैसे परेशान करना हो ना, तो उसके पते पर किसी और डिपार्टमेंट चिट्ठी भेजते रहिए, उसको रोजगार मिलता रहेगा, ठीक है। इस एक्ट के तहत उसकी दो जिम्मेदारियां हो गई। पहली जिम्मेदारी कि उस चिट्ठी को सही पते पर भेजना, उस प्राधिकारी को भेजना जो प्राधिकारी इस सूचना को देने के लिए उपयुक्त है। और ये काम उसे कब करना है, 5 दिन के अंदर करना है। 5 वर्किंग डेज के अंदर उसकी जिम्मेदारी है कि उस चिट्ठी को सही पते पर भेजे, इस निवेदन के साथ कि मेरे पास आई थी रिक्वेस्ट, मैं आपको भेज रहा हूं, आप सही सूचना इस व्यक्ति को भेज दीजिए। दूसरी जिम्मेदारी क्या है, जिस व्यक्ति ने रिक्वेस्ट भेजी है उसे उत्तर दे और उसे बताए कि आपने जो पत्र भेजा था वो गलत पते पर आ गया था, हमने सही पते पर यानी कि इस पते पर भेज दिया है, यहां से आपको सूचना मिलेगी निश्चित समय के भीतर, ठीक। अगर किसी अधिकारी से हिसाब बराबर करना हो तो 2 तरीके, एक तो खूब सूचनाएं मांगो उससे, दूसरा किसी की भी सूचना उससे मांगते रहो, उससे आप हिसाब बराबर कर सकते हो। चलिए जी, हाँ देखो, अगर आपका मोबाइल फोन गुम हुआ है, दिल्ली को छोड़ के दुनिया में कोई एफआईआर करनी पड़ेंगे उसकी, क्योंकि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने एक गलती कर दी 4-5 साल पहले, और तब से ऑनलाइन एफआईआर दिल्ली में शुरू हो गई है। तो दिल्ली में आप कोई एफआईआर करनी है ऑनलाइन कर दीजिए, एफआईआर लॉज हो जाती है। अगर आप पुलिस स्टेशन चले गए एफआईआर करने के लिए, तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होगी, ये मान के चलिए, मतलब अड़ जाएंगे, नारे लगा देंगे तो हो जाएगी, सामान्यतः नहीं होगी, क्योंकि पुलिस विभाग पूरी कोशिश करता है कि एफआईआर लॉज ना हो, क्योंकि उससे उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। मोबाइल फोन की तो भारत में कहीं भी नहीं होगी, मोबाइल फोन की तो, ठीक है, बाकी राज्यों में भी मोबाइल फोन चोरी होने की एफआईआर नहीं होती, वो केवल एक कंप्लेंट नोट कर लेते हैं, एक स्टैंप लगा देंगे कि हमारे पास कंप्लेंट है, जैसे आई कार्ड गुम हो गया आपका, एक कंप्लेंट पे स्टैंप लगाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं बाकी जगहों पर, नया सिम लेना है, नया आई कार्ड बनवाना है, उसके लिए वो होता है, लेकिन वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं होती है। पर पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए पुलिस आमतौर पर मोबाइल ढूंढने का काम नहीं करती अभी तक, इसलिए बचते हैं। लेकिन अगर पुलिस वाला ठान ले और मोबाइल चुराने वाला बहुत घाघ नहीं है, तो 100 में से 99 मामलों में मोबाइल वापस आ जाता है। दोनों कंडीशन ध्यान रखना है। अगर